नमस्कार, केएनएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। महू भारतीय जनता पार्टी के जिला जनपद के वार्ड नंबर 9 से राकेश यादव का चिन्ह दो पत्ती पर मोहर लगाकर विजय बनाए। वहीं आज उमरिया, किशनगंज और कई जगहों पर जनसंपर्क जगह तूफानी जनसंपर्क हमने समर्थकों के साथ पहुंच कर किया। बीजेपी समर्थित उम्मीदवार राकेश यादव ने कहा कि मुझे वार्ड नंबर 9 की जनता द्वारा मुझे भरपूर प्यार देकर प्रचंड बहुमत से जिताएंगे तो मैं अपना पूरा जीवन जनसेवा के लिए समर्पित रहूंगा। वहीं अब मीडिया ने राकेश यादव से सवाल किया कि कुछ अफवाह फैल रही थी, आप समर्थन दे रहे हैं। वहीं राकेश यादव साफ कह दिया कि मैं नहीं दे रहा हूं, पिछले 5 सालों से जनता के बीच में हूं और आगे भी रहूंगा। मुझे यकीन है कि इस बार भी मेरे वार्ड की जनता मुझे विजय बनाएगी। वहीं कई कार्यकर्ता प्रमुख रूप से उपस्थित थे। जनसंपर्क शुरू हुआ है उमरिया क्षेत्र को लेकर, किस तरह से जनता का आपको प्यार मिल रहा है? मुझे मेरे गुरु थे जिनको मैं बहुत प्यार करता था, उनका बहुत आशीर्वाद था। ऐसे महेश जी चौहान साहब जो इस दुनिया में नहीं रहे लेकिन मेरे दिल में मेरी आत्मा बसे हुए हैं, वो उनके आशीर्वाद लेकर मैं आज उमरिया में जनसंपर्क कर रहा हूँ। और उनके बेटे रोहित जी, उनके भाई रंजीत जी, ऐसे बंटी जी, सभी यहाँ युवा साथी मेरे साथ में मौजूद हैं। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ और मैं इतना भाग्यशाली हूँ कि मुझे इन भाइयों का साथ है और बुजुर्गों का आशीर्वाद है और क्षेत्र के वार्ड नंबर 9 की सभी प्यारे भाइयों बहनों का सहयोग से ये जनता चुनाव लड़ी। जनता का ही चुनाव चिन्ह दो पत्ती है और मैं इतना भरोसा है मुझे कि मुझे मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरा परिवार ये चुनाव लड़ रहा है। निश्चित ही हम परिवारजनों को सफलता मिली। लगातार दो गद्दावर नेता हैं, कांग्रेस से और बीजेपी से, इनमें आपको क्या कैसे क्या लगे? देखिए, चुनाव है ये पंचायती चुनाव है और ये पंचायत चुनाव व्यक्तिगत संबंध से होते हैं, आपसी संबंध से होते हैं। और अपन कह सकते हैं कि हमारे सामने उम्मीदवार जो हैं, जो उसके पहले चुनाव में यहाँ से बता चुका हूँ, 2014 में धर्मपत्नी चुनाव में यहाँ से लड़ी है, वो यहीं उमरिया के सभी भाइयों बहनों, वार्ड नंबर 9 की जनता ने भाइयों बहनों जिताया है। तो मुझे भरोसा है कि मुझे फिर आशीर्वाद सभी भाइयों बहनों का मिलेगा। भैया, एक सवाल चल रहा है कि आप किसी और जो समर्थक को समर्थन दे रहे हैं, क्या ये चीज़ वास्तविक है? नहीं, ये कुछ असामाजिक लोगों ने ये बात उड़ाई है और ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे जनता ही चुनाव लड़ा रही, वार्ड क्रमांक 9 की, वो चुनाव चिन्ह जनता का है और लड़ भी हुई रहे हैं। मैं तो एक माध्यम हूँ, एक आसन छोटा सा कार्य करता हूँ जो उनके पीछे पीछे जनता के पीछे चल रहा हूँ, उनके आदेश अनुसार मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। वार्ड क्रमांक की जनता को क्या आपको संदेश देंगे आपके चुनाव? मैं जिला पंचायत वार्ड क्रमांक 9 की जनता से निवेदन करता हूँ, हमेशा उनका आशीर्वाद मुझे मिला है। 2014 में उन्हें भारी मतों से विजय मनाया है, इस बार भी ये चुनाव चिन्ह उनका ही है और मैं उनके प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आपके भाई, आपके बेटे, आपके मित्र को ये जिला पंचायत वार्ड क्रमांक 9 का चुनाव जीता है। वही चुनाव आपकी जीते, मेरी जीते। आपका चुनाव चिन्ह? मेरा चुनाव चिन्ह दो पत्ती, दो नंबर हो जाए।